सर्वप्रथम मैं वैसे ही विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है और शिक्षा की देवी माँ शारदा है, और अपने यहाँ विद्यालय का नाम भी हमारे अनुज हरिओम जी ने बड़े सोच समझ के उस समय नामकरण किया माँ शारदा के नाम से, शारदा बाल निकेतन। जैसा विदित है ये सरस्वती का मंदिर है, सरस्वती का ही दूसरा नाम है शारदा, आपको बता दूं। और ये शारदा के मंदिर के नाम से इस विद्यालय का नामकरण हुआ, तभी मैंने जान लिया था कि निश्चित रूप से माँ शारदा के पास से इस विद्यालय में अच्छी प्रतिभाएं आएंगी और निकल के आगे हीरे कोहिनूर बनेंगे। और उस पर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आज करीब 30 साल हो गए सर, आज 30 सालों से ये मैं बराबर देख रहा हूँ कि विद्यालय जब से ये स्थापित हुआ तब से हमारे माँ शारदा की कृपा, हरिओम जी हमारे जो आपकी पत्नी हमारे जो अनुबंधु हैं उनका, स्टाफ का और बच्चों का अभिभावकों सबका सहयोग रहा और विद्यालय दिनों दिन निरंतर प्रगति कर रहा है, ये बड़े खुशी का अपार खुशी का विषय है और माँ शारदा की कृपा भी मिल रही है। तो मैं इसलिए इस नाम से ही प्रथम तो मैं आपको बताऊँ परिचय होता है नाम से ही, आज नाम से ही स्वतः परिचय हो जाता है शारदा बाल निकेतन, मतलब माँ सरस्वती का मंदिर है बच्चों के विकास के लिए, शिक्षा और संस्कार के लिए। तो ये अपार खुशी का विषय है, संस्कार और शिक्षा, शिक्षा तो मैं आपको और बताऊँ क्या पता हमारे से और ज़्यादा कहीं अंग्रेज बनाने के लिए दी जा सकती है, लेकिन जो संस्कार युक्त शिक्षा का ध्येय होता है वो हमारे संघ में लेके चलता है, आदर्श विद्या मंदिर है और हमारे अनुज शुरू से हमारे संघ रहे हैं, हम भी संघिष्ट रहे हैं, तो संस्कार वही आए आप में, तो ये जो विद्यालय है वो भी संस्कारवान शिक्षा देने का ही केंद्र है। तो सबसे बड़ी बात होती है शिक्षा मामूली बात है, संस्कार युक्त शिक्षा देना ये अलग बात है। तो ये है सबसे बड़ा मेन जो पॉइंट है कि यहाँ हमारे ऐसे सरस्वती मंदिरों में शिक्षा दी जाती है और संस्कारवान बनाए जाते हैं, यदि आपके संस्कार नहीं है तो शिक्षा अधूरी है। क्योंकि कई जगह मैंने भी यहाँ नावा से ही हमारे टाइम हायर सेकेंडरी हुआ करती थी, तो हायर सेकेंडरी नावा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हमें कुछ माध्यमिक विद्यालय हुआ करता था, वहाँ से किया ग्रेजुएशन मैंने सांबर टाइप से किया और उसके बाद मैंने एम कॉम पी जी वहाँ अजमेर जाके किया, तो अजमेर मैंने एडमिशन दिया तो डी ए वी कॉलेज दयानंद एग्लोबेटिक, वो अपने वहाँ कॉलेज में ये पहला इतिहास है कि प्रार्थना होती थी, नहीं कॉलेजों में प्रार्थना नहीं होती है लेकिन वहाँ भी प्रार्थना होती थी, लोग कहते कॉलेज में प्रार्थना होती है, बिल्कुल नियमित अपने यहाँ जैसे सनातनी धर्म के हिसाब से प्रार्थना होती है वहाँ भी प्रार्थना होती थी। उसके पश्चात आप सोचिए कि एम कॉम एम एस सी एम ए के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और कॉलेज का नाम है बदनाम, और वहाँ की शिक्षा जो थी प्रारंभ हर दिवस सरस्वती की प्रार्थना करके उसके पश्चात ही विद्या का शुभारंभ होता था, तो ऐसी जगह पर विद्या अच्छी होगी होगी ये मेरा दावा है। तो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं, अब आज कई जगह अपन देखते हैं उस नाम से परिचित होते हैं गवर्नमेंट स्कूल, उनमें क्या संस्कार दिए जाते हैं, आप और हम जैसे निखार वाले बच्चों को दिग्भ्रमित कर दिया जाता है और उन्हें दिशा भ्रम करके और भ्रमित करके क्या पता कहाँ से काम मोड़ देते हैं। मेरी भी एक दोस्त थी वहाँ एक स्कूल में जा रही थी, तो वहाँ उसको तिलक लगाना और अपन तो मोड़ी बोलते हैं क्या मोली बंधन होता है वो कला बोलते हैं, ये बंधन वगैरह हटा दिए, मैंने कहा कौन से स्कूल पढ़ती है, कहीं वहाँ पढ़ती, मैंने कहा स्कूल से निकाल दो अभी ठीक रहेगा, आगे जाके अभी ये संस्कार भीत कर रहे हैं आगे क्या पता कौन से संस्कार गलत डालेंगे अपने संस्कारों से भीत कर देंगे। तो जहाँ वापस जाना अपने यहाँ तो प्रथम तिलक होता है, तो तिलक है मोली बंधन है यही से तो अपने संस्कार शुरू होता है, अपने गर्व महसूस होता है अपन सनातन धर्मी हैं हिंदू धर्म वाले हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ संस्कार का प्रारंभ यहीं से होता है। अब जहाँ इन संस्कारों से भेद किया जाता है ये सब फालतू की बातें होती है। हमारे यहाँ दूसरी बात आती है शिक्षा की, तो वो अंग्रेजी का वैसे भी अंग्रेजी कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, कठिन बात नहीं है, अपनी हिंदी फिर भी श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के नाते कुछ एक तरह से उसे कह सकते हैं अपन विचारों का आदान प्रदान
क्या चीज को समझाना उसमें जरूरत पड़ती है। तो हमारे यहाँ खुशी बात तो यह है कि नवा का पहला विद्यालय है जो प्रारंभ से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक इंग्लिश मीडियम चेंज कर ले गया। शायद ही किसी की मत हो, लेकिन माँ सरस्वती कृपा है, हरिओम जी का प्रयास है और स्टाफ को धन्यवाद है और बच्चों को धन्यवाद है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ भी पूर्ति की जा सकती जो आवश्यकता उसकी, बाकी संस्कारवाद शिक्षा प्रथम अपना ध्येय है। तो शिक्षा के मामले में जहाँ तक मानता हूँ आज भी अग्रणी भूमिका है, दिन रात रिजल्ट बोलता है। मैं कई बार कहता हूँ कई लोग साहब हमारे विद्यालय बता रहे हो विजिट करो वो करो, मैं क्या कोई खास बात नहीं, हमेशा बोर्ड में नाम लिखता हूँ अपने विद्यालय का जब जब नाम रोशन किया है, तो वो रिजल्ट जो अपना तो परिणाम होता है। खूब मेहनत करते हैं, माता पिता खर्च करते हैं, गुरु लोग आपको शिक्षा देते हैं, खूब आपको मेहनत कराते हैं, आप खूब मेहनत करते हो, फिर आपका जब परीक्षा आती है परीक्षा के बाद परिणाम आता है और परिणाम तो सब कुछ आगे होता है, तो परिणाम आपका रिजल्ट है जो बोलता है। अभी भी कई बच्चों को मैंने आपसे परिचय भी किया, तो ये सब विद्यालय के यहाँ जो शिक्षा है उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। शिक्षा बहुत ही अच्छी दी जा रही है और आज नाव में नाम है और प्रथम शुमार स्कूलों में एक है, इसके बाद जो कुछ आई है। तो मैं शिक्षा के मामले में ये कहूँगा आपसे ये निवेदन है, हमारे बच्चे हो सबको माँ शारदा कृपा बनाई रखे और आपको अच्छी शिक्षा या केंद्र आपको मिला हुआ है, बढ़िया शिक्षा हो, आपका नाम रोशन हो, आपके माता पिता का नाम रोशन हो, हमारा भी नाम रोशन हो। क्योंकि जब बोर्ड पे नाम लिखते हैं तो खुशी होती है, हमारे विद्यालय है नावा के विद्यालय, बाहर के पढ़ते हैं तो बाहर के विद्यालय उसके अलावा यहाँ का विद्यालय जो यहाँ शिक्षा दे रहा वो काम आएगा, तो ये खुशी की बात है। प्रथम होता शिक्षा, तो शिक्षा आपकी बहुत अच्छी हो उसमें जरूरत होती है खूब तराशने की, खूब मेहनत करने की। तो आपसे यही निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खूब मेहनत करने वाले हमारे भैया जी हैं और हमारे अनुज बधु हैं, हमारे स्टाफ हैं, तो आपको कोई ज्यादा कमी नहीं है, कमी हो तो भी आप कह सकते हैं ये आपकी कमी पूर्ति करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप खूब मेहनत करें, अभिभावक खूब खर्च करते हैं इस जमाने में, तो यहाँ जा तक विद्यालय मिथ्या ही है कुछ, यहाँ तक अभिभावकों को भी सोचा जा रहा है और अपनी आपूर्ति भी सोचते हैं, उस हिसाब से मध्यम मार्ग अपनाते हुए उचित आपसे शुल्क भी दिया जाता है। तो अभिभावक खर्च करके जब ये आपको पढ़ा रहे हैं तो उनका भी ये मान है कि आपको पढ़ाई करो और उनके लिए भी आगे नाम रोशन करो, आगे योग्य बनो। दूसरा संस्कार लाता है, तो संस्कार भी यहाँ शिक्षा के साथ अच्छे दिए जाते हैं, ये भी पूर्ण विश्वास है कि यदि शारदा बाल निकेतन पढ़ा हुआ बच्चा होगा तो रास्ते में चलता होता हुआ वो प्रणाम करेगा। कल भी हम दोनों साथ थे, कुछ बच्चे उधर से आए तो प्रणाम करके निकले, ये क्या है यहाँ से कब के निकल चुके हैं, लेकिन संस्कार डाले हैं, नींव मजबूत किए, आज भी जब मिलते हैं तो बड़ों के वो प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं, तो ये संस्कार भी है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा यहाँ से लेकर के संस्कार आप आगे जाएं और इन संस्कारों को आगे बढ़ाएं, अपने धर्म का, अपने सनातन धर्म का, संस्कृति का मान रहेगा और अपने यहाँ विद्यालय गुरु जी अपने माता पिता यहाँ तक दादा पड़दादा उनका भी नाम होता है, जो नाम रोशन करता बच्चा। तो एक बार देवेंद्र जी बिसराए हमारे यहाँ, उनका बच्चा जो है वो कोई मेरिट पाया तो मैंने वहाँ नाम लिखा, तो मनोज जी उनके पिता को कम जानते थे, मैंने उनके दादा जी का नाम भी लिख दिया, प्रपोत्र देवेंद्र जी मिश्रा, सब जानते थे। वो आया उन्होंने पढ़ा, बोले साहब मेरे को बड़ी खुशी आपने यहाँ मेरा भी नाम लिखा, इसकी तो वैसे जरूरत नहीं, मैंने कहा जरूरत नहीं, ये बच्चा इतने नाम रोशन किया पीढ़ियों का, तो खुद ने नाम किया है, पिता का नाम किया, दादा का नाम किया है, तो मैंने कहा खुशी हो प्रेरणा मिले हमारे बच्चों को कि देखो जब हम अच्छा कोई करते हैं शिक्षा में, अच्छा हमारा वो आगे प्रदर्शन करते हैं तो हमारे बाप दादाओं का नाम भी होता है, गलत होता है तो उनका बिगाड़ नाम होता है, अच्छा करते हो तो उनका अच्छा नाम होता है, सदनाम होता है। तो इसलिए संस्कारों के लिए मैं आपसे ये कहूँगा, और सर्वप्रथम जो जनरली शिक्षा दी जाती है माता पिता गुरु, तो मैं आपसे इस बारे में भी दो शब्द कहूँगा कि सर्वप्रथम आपकी माता है, और कहते भी यही है कि माता सर्वप्रथम गुरु है, और सत्य भी है शास्त्रों के हिसाब से सत्य है, शास्त्र संबंध बात कहूँगा कि माँ सर्वप्रथम गुरु है और आपको हर तरह से पालने वाले भी है, तो वो पालन करता है गुरु भी है। आपको किस हिसाब से माँ पालती है यदि अपन उसका हिसाब करें या ज़्यादा वर्णन करें तो मेरा ख्याल है अपन कर नहीं पाएंगे। तो शॉर्ट में बताऊं कि माँ जिसने अपने को 9 महीने पेट में पाला पोसा और सारा पूर्ति जो आज अपन कर रहे हैं वो पूर्ति उस समय माने अपने उदर से किया, तो उसका माने जितना ही कम है,
क्योंकि 5 वर्ष के उसने बड़ा क्या प्रारूप दिया है और अपन इस संसार में आए हैं, और उसके बाद भी बराबर आपकी सेवा शुश्रूषा, उसके बाद आपको हर तरह की चीज सिखाना, संस्कार डालना, और फिर उसके बाद विद्यालय तक भेजना। ये माँ का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो माँ का प्रथम मान आपको भी उसी हिसाब से मैं वापस निवेदन करूँगा, हमारा विद्यालय है, फिर भी आपसे इस बारे में चर्चा करूँगा, माँ का अत्यधिक मान रखें और रखना है जब तक अपना जीवन है और माँ का जीवन है। दूसरा आता पिता का। पिता का भी कोई कम रोल नहीं है, पिता ने शुरू से ही आपके सपने देखे, और हर पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके और एक योग्य व्यक्ति बने, जिससे इसका भी नाम हो, इसकी आपूर्ति हो, परिवार संचालन आजकल अर्थ हो गए तो अच्छा हो, और मेरा भी नाम हो, बड़े नाम का नाम हो। तो पिता खर्च करता है, कमा के लाता ना, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, मेरे भी 4 बच्चियाँ हैं और 1 बच्चा है, अब उस परिवार को पालने के अल्प आय में कैसे, नाम भी अल्पचत है, अल्पचत में कुछ बचत करवाते करवाते लोगों से कुछ इनकम करना, उससे बच्चों को पालना, शिक्षा दिलवाना। तो बच्चे के लिए पिता का भी वही सपना होता है, मैं तो पालूँ लेकिन बच्चा आराम पाए, इसके लिए उसके लिए वित्त प्रबंध करूँ, पैसे का प्रबंध करूँ, और उसे माता पिता सोच करके ऐसे योग्य विद्यालय में डालने की चेष्टा करते हैं जहाँ उनका भी ध्यान रखा जाए, बच्चे का भी ध्यान रखा जाए, और उनके सपने पूरे संजोने का काम भी किया जाए। तो ये पिता का भी प्रमुख भूमिका रोल रहता है। उसके पश्चात ये दोनों माता पिता ये घर से आपको बढ़िया योग्य विद्यालय में डाल सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनके लिए तो अपन जितना उनका मन उतना कम चुका नहीं सकते जिंदगी में, बस अपना प्रयास ये होना चाहिए कि अधिकतम अपन जी जान लगा करके माता पिता का मान रखते हुए आगे अपनी प्रोग्रेस हो और अपन परचम अपनी सफलता का फहराएं, ताकि उनको इस लागत का, हर चीज में लागत होती है, तो उनकी लागत ही कि उनका प्रयास, उनकी सेवा, उनका वित्त, इन सब की उनको परिणाम मिले तो उनकी अपार प्रसन्नता होगी। निस्वार्थ भाव से करते माता पिता, कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो मैं ये कहूँगा इस बात के लिए होता है आदर, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, ये आपको यहीं से सिखाया जाता है कि आप आदर देना सीखो। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, जैसे उसके बाद आता है गुरु का स्थान, यहाँ आपको डाल दिया, या ये गुरुजन आपको कच्चे गड्ढे की तरह माता पिता निकालते हैं, और कहते हैं कि कुंभकार जो होता है, कुमार होता है, वो जब गढ़ा बनाता है तो कच्चे गड्ढे को जो आकृति देता है, पकने के बाद वो जो बना दिया वो बांका टेढ़ा जैसा है वो ले जाएगा, लेकिन उसकी जो ढाल है, अच्छा उसका निखार है, वो कुंभकार लाता है और कच्चे गड्ढे पे लाता है। तो आप कच्चे गड्ढे की तरह हमारे यहाँ विद्यालय में प्रवेश करते हैं। उसके बाद आप गुरुजनों का रोल होता है कि आपको तराश करके हीरा बनावे, अच्छी शक्ल देवे, और आपको संस्कार युक्त शिक्षा देके, और एक अच्छा कोहिनूर बनाने के मतलब है बहुत ही योग्यतम आपको नागरिक बनाया जाए, ताकि अपने माता पिता का, पुरखों का, गुरुजनों का, विद्यालय का, गांव का नाम रोशन हो, और जब गांव का होगा एक दिन आप ये भावना भी यहीं से आएगी, राष्ट्र हित की भावना, वो भी इन्हीं विद्यालयों में होती है, तो आप में राष्ट्र की भावना भी आएगी कि मैं मेरे राष्ट्र का नाम भी रोशन करूँ, और भगवान ने प्रतिभा दी है तो एक दिन आप राष्ट्र का नाम भी रोशन करेंगे, जिससे हमारे यहाँ कुछ होगी, यहाँ नाव में एक जैसे आज कोई राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, उसके गाँव में उससे वहाँ कोई विशेष देना देना नहीं है, लेकिन अपार खुशी का संचार होता है कि ये हमारे यहाँ से जुड़ा हुआ गांव, इसकी मातृभूमि है, तो वहाँ खुशियाँ मनाई जाती है, वहाँ बनता है ढोल ढमाके पटाखे, यहाँ चलाए जाते हैं, खुशियाँ यहाँ मनाई जाती है। तो आपका ये संस्कार हो, आप गुरुजनों का मान रखें, गुरुजनों का आशीर्वाद दें, आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण होता है, माता पिता गुरुजन इनका अपना आशीर्वाद बढ़े। उसका अंकल मैंने भैया लिखा था, माता पिता गुरु के बाद में बढ़े, जैसे जो भी आपसे बड़े हो, यदि ये बच्चा बेटा ऐसे बड़ा ये है तो ये भी इसके लिए सम्माननीय है। अब हम आए, हम बाहर से हैं, लेकिन ये कायदा बनता है कि आप हमारे बच्चे हो, यदि बड़े होते हुए तो हम उनका पहले सम्मान करते, माँ शारदा किया कोई बड़े तो उनका करते, तो ये बड़ों का सम्मान, अपने से बड़ों का, तो आप भी बड़ों का सम्मान करना सीखे। जैसे घर में आए अपने कोई मेहमान आ गए, कई बार मैं देखता घरों में जाता हूँ तो वो बच्चे आते हैं, मेहमान आ गए सबके दो दे दिया और वापस रवाना हो गए, नहीं, वहाँ आपके माता पिता बैठे हैं उनको भी आप दौड़ दो प्रणाम करो, क्योंकि ये संस्कार तो उन्होंने दिया आपको, उन्होंने बताया हमारे मेहमान हैं। तो ये आपको एक बहुत बड़ी जो कमियां देखते बता रहे हैं, तो अपने जो भी बैठे हैं बुजुर्ग
या जो भी मेहमान आए, जो बड़े हैं, तो यदि आप उस कमरे में आए हैं तो सभी के प्रणाम दो करेंगे तब आपका संस्कार पूर्ण होगा वरना अपूर्ण होगा। ये मैंने आज आपको छोटी सी बात की, इसको भी आप गांठ बांधना, हृदय में दान कर लेना कि यदि आप घर पे हैं तो ये नहीं कि तो माता पिता को जरूरत है, नहीं नहीं नहीं, सुबह उठ करके जो बच्चा अपने माता पिता को प्रणाम करता है, ठाकुर जी को प्रणाम करता है, वो कभी भी उसका दिल दुख में नहीं हो सकता है, उसका जीवन दुखी नहीं हो सकता है। और आज कोई दुख आए तो देखो धूप है वहाँ, छाँव भी होती, छाँव वापस धूप भी आती है, तो रहेगा सुखी। तो इसलिए माता पिता के कई धोखे देते हैं ना, उनको ध्यान नहीं रहता है, धोखे देते उनको ध्यान रहता है। तो जब अपने कोई मेहमान आवे उनको प्रणाम करो, साथ माता पिता बैठे, घर के कोई बूढ़े बुजुर्ग या बड़े बैठे उनको भी प्रणाम करो, तो ये उससे आगे आने वाला भी अच्छा संदेश लेके जाएगा। यदि मेरे साथ कोई पार की बैठा दे तो ऐसे कोई यार बेटा ठीक बच्चे धोख दिया चलो खुश रहो, मैं तो ये सोचता हूँ कि बच्चा मेरे धोख दे रहा है मैं तो दूसरा हूँ, यदि मेरा मान तो क्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन माता पिता के साथ में किया तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि ये बच्चा मेरे धोख दे रहा है और संस्कारवान माता पिता इन्होंने संस्कार दिए उनके भी धोख दे रहा है, ये सच्चा संस्कारवान बालक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो माता पिता, गुरु और अपने जो भी बड़े होते हैं वो आदमी होते हैं, तो मैंने आपको कहा गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। यदि आप इस मोटो को अपनाएंगे, इस उद्देश्य को लेकर चलेंगे, ये लक्ष्य होगा, ये आपका ध्येय होगा, तो आप आदर करना सीख जाएंगे, आपका आदर अपने आप होगा। यदि आप मुझे आदर दे रहे हैं, मैं आपको आदर दूंगा ही दूंगा, मैं आपको निरादर कैसे करूँगा। तो ये भी होना चाहिए कि आप हमेशा आदर करना सीखें। हमारे टाइम में तो हम वो सुलेख दिखा देते, इसमें दो काम होते थे, अच्छा वाक्य देते उसको शिक्षा भी मिले और राइटिंग भी सुंदर हो। तो ये आदर्श वाक्य होते थे, बड़ों का आदर करो, माता पिता कहना मानो, ये सब चीज़ें ऐसी होती। तो ये मैं आपको शिक्षा से जोड़ के बता रहा हूँ, तो आप ये संस्कार, शिक्षा संस्कार। तीसरा आपके आता है प्रेम। प्रेम ऐसा होना चाहिए कहीं भी किसी बच्चे में, किसी घर में, किसी और व्यक्ति से ईर्ष्या न हो। और इसे कब नहीं होगी, जब आप में प्रेम का बीज अंकुरित होगा। इस स्थान में एक चीज रह सकती, दोनों रहती है, आपके प्रेम का बीज अंकुरित होगा। ये सोच लो है प्रेम जगत में सार है और कुछ सार नहीं, केवल प्रेम ही सार है। आज मैं ये जो इतने उम्र लेकर के आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अनुभव की बात है। कहीं भी आज हमें कोई सरकारी कोई कार्यालय में जाना पड़ता है, हम यदि वहाँ जाकर के अपने बड़ेपन का रोग दिखावें और करें तो कांटा लगा देंगे, कैसे कि जो उलझाएंगे, काम नहीं होगा। हम उनको कहते थे भाई छोटे हो तो भी आपको हमारा शुभ आशीर्वाद है, आपसे निवेदन है, बड़े तो ही हैं आदर के जो मैंने आपको शिक्षा दी, तो वो काम प्रेम से जल्दी होता है, मैंने नोट भी किया है। यदि अपन ने उनको आंख दिखाई, निरादर किया, आदर नहीं किया, कुछ दो सब कह दिए, तो उससे अपना काम उड़ जाएगा, होगा नहीं। और प्रेम से काम जो अपना है वो सात दिन में होगा, वो आज का करवा के जाता हूँ। तो मैंने आपको वही शिक्षा दी है जो मैंने उठाई जीवन में, और ये जीवन उतारना जरूरी है, कहना अलग बात है, कथनी करनी एक होनी चाहिए। और ये मेरा अनुभव आपको बताया है कि कहीं भी आप रहो, आप प्रेम से रहना सीख जाओ, आपका बेड़ा पार होगा। घर से शुरू होता है, घर में भी भाई बहनों में प्रेम रहता है, एक अलग फुलवारी होती है, और लड़ाई झगड़ा रहता है एक अलग सा होता है। तो ये जितने भी आजकल गलत काम हो रहे हैं ये सब प्रेम नहीं होने से हो रहे हैं। तो प्रेम का आप ये पाठ पढ़ लें कि हमें अपने घर में, विद्यालय में रहते तो आस पास अपने जो विद्यालय के बच्चे उनसे, अपने गुरुजनों से, पड़ोस में तो उनसे, ये प्रेम आप यदि शुरू कर देंगे ना, तो आपने मेरा दावा है कि आपके काम भी भगवान की तरह से आपकी योग्यता के साथ में चार चांद रखिए आपके सुगमता से होंगे। तो प्रेम ये सब भी आपके लिए बहुत ज्ञान की बात है। तो मैंने आपको बताया शिक्षा, संस्कार और आदर, उसके बाद में प्रेम। तो प्रेम आप ये सोच लो कि प्रेम ही है सब कुछ, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो, मेरे देश प्रेमी हो, ये गाना आया था फिल्म में कई इच्छा, उसमें से हम लेते हैं। तो उसमें भी ये सिखाया गया था, मनोज कुमार की फिल्म थी, वो हमेशा देशभक्ति की फिल्म बनाते थे, उसमें भी ये कहा आपस में प्रेम रखो, देश प्रेमी हो, मेरे देश प्रेमी हो, देश के प्रति प्रेम भी चलेगा आपका जब आप आपस में प्रेम रखेंगे। आपस में फूट है, देश प्रेम नहीं चलेगा, दूसरे की आँख होगी। और मैं आपको ये सत्य बताऊँ, जहाँ भी प्रेम की कमी होती है, ईर्ष्या होती है, वहाँ दूसरे फायदा उठाते हैं, मौका देखते हैं। तो प्रेम आप ये गांठ मान लो कि हमें बस केवल प्रेम का ही स्वभाव डालना अपने अंदर, कोई कभी ले जाए मेरे भी ले जाती है, तो मैं भी आपसे सीखता हूँ, कोई विशेष बात नहीं, हमेशा अपने शिक्षार्थी हैं, तो शिक्षा जहाँ भी मिले वो लेनी चाहिए। तो अपने को प्रेम से लेने का संकल्प लेना चाहिए, अपना बहुत हित होगा, जीवन सुगम होगा और प्रगति में चार चांद लगेंगे। तो ये बात आई प्रेम की,
उसके पश्चात अपन यहाँ से निकलेंगे। अर्थार्जन होता है, विद्यालय को लिखा रहता है शिक्षा के लिए प्रवेश, सेवा के लिए प्रस्थान। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ इस चीज़ को अप्लाई कम ही करते हैं, शिक्षा के लिए प्रवेश करते हैं। लेकिन आप शिक्षा के जरिए आप परिपूर्ण करके हमारे भैया जी वगैरह आपको भेजते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद आपका और चीज सेवा का उद्देश्य, शिक्षा के लिए प्रवेश, सेवा के लिए प्रस्थान। आप यहाँ से प्रस्थान कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो अब आप योग्य बन चुके हो, अब आप सेवा करोगे। सेवा में गलती भी होती है, माफ करना कि यदि हम लोग अभिभावक हैं आपको पढ़ाई लिखाई, तो आप गलती की सेवा करेंगे ना, आप कुछ योग्य बनेंगे, कमाएंगे, दो पैसा अर्थोपार्जन लाएंगे, तो हम जैसे पढ़ाने वैसे आप भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाओगे, आप ही घर के लिए भी अच्छा चला पाओगे। और एक कहावत भी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए। कि अपन भी नहीं कमा रहे हैं तो आए हुए को क्या, अतिथि क्या खिलाएंगे। तो योग्य बन के निकलते तो वहाँ भी सेवा ही होती है कि आपको भगवान ने योग्यता दी है, दो पैसा अर्थोपार्जन का साधन भी दिया सरस्वती ने, तो आप आने वाले अतिथि की सेवा कर सकें। तो ये घर की सेवा होती है। उसके बाद में आप ये संकल्प होता हमारे जैसे संस्कारवान विद्या लेते हुए देते हैं, राष्ट्र को महत्व देते हैं। केवल शिक्षा को नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, माता पिता को जानते नहीं, धोखे नहीं देते हैं। कोई पूछ ले मेरे साथी, तो जब ये योग्य कहीं बढ़ गए तो कहते थे अभी कौन है कि तुम्हारे चौकीदार है। ऐसे ऐसे मैंने देखा है IAS आ रहे संतरों को, बुढ़िया कौन है, ये तुम्हारे भाई है। अब बताओ जब भाई और चौकीदार या नौकर बताते थे माता पिता को, धोले कैसे शिक्षा, वो IAS होगा। लेकिन मेरी नज़र में वो चपड़ा सिद्ध गया बीता है, पशु है पशुतुल्य। तो मैं आप बच्चों आज ये शिक्षा वो मेरे हृदय की दे रहा हूँ महाराजा रानी कृपा से। मैं भी गुरु का भी हूँ, मेरे गुरु हैं श्री जी महाराज अखिल भारतीय जगत गुरु निम्बार्काचार्य, बड़े बहुत बड़े जगत गुरु, बहुत बड़े संत हुए हैं जिनमें काम ही केवल गुणों का है, गुण बढ़ना। तो उनका मैं शिष्य हूँ और नौकरानी को सुख रहा हूँ, तो उनकी शिक्षा को नहीं ले जाऊँगा। मेरे माता पिता भी योग्य थे, यही के थे, और उसके साथ में जो मेरा इष्ट है वो राधा रानी का इष्ट है, वही स्वरूप आता है, चाहे कोई देवी हो सब एक ही स्वरूप है, राधा रानी का इष्ट है। मैं उनकी कृपा से जो मेरे को गुण दिए जाते हैं वो आपका बता रहा हूँ कि आप हमेशा ये राजहित को लेकर चलना। राजहित का यदि आपका उद्देश्य है, सेवा का उद्देश्य लेके ऐसे निकले हैं, तो मैंने आपको बताया फिर तक खुशी होगी। यदि आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो किसी को खुशी नहीं। आपने अपना वो एक कावत भी है, एक घोड़ी होती है, पशु है, तो उसकी लंबी पूंछ होती है, तो लोग कहते कितनी लंबी है सर, वो केवल अपनी ही मक्खियाँ उड़ाएगी, किसी पड़ोसी की नहीं उड़ाएगी। लेकिन आप यदि योग्य बन गए तो उसी पशु के लिए आप बता रहा हूँ, यदि आप डॉक्टर इंजीनियर बन गए, शिक्षा वाले संस्कार नहीं है, तो आप केवल अच्छा अर्थोपार्जन कर लेंगे, कहीं बाहर चले गए विदेश में खूब कमा रहे हैं, आपको ये जानने की मेरा देश है, एक कावत है मारवाड़ी की, गाँव की आधी और बारे की साफ थी। तो बाहर का ज़्यादा पैसा काम का नहीं है, यहाँ का अपने कम भी मिलेगा। तो अपन इस संकल्प के लिए यहाँ से निकले हैं हमारे शारदा पानी जैसे गर्व से कि हम देश की सेवा करेंगे। आप विदेश चलेंगे, देश की क्या सेवा करेंगे। माता पिता इंतजार करते बच्चे का कब आए, कब मुझे गोली दे, मेरी तबियत खराब है, वो उनको नहीं दे पाते, क्या देश की सेवा करेंगे। तो मैं आप में ये देश सेवा का भी मैं एक पॉइंट आप में डाल रहा हूँ कि आप इस देश सेवा का भी आप मन में संकल्प करें, मेरे घर की, मेरे गाँव की, मेरे देश की सेवा करूँगा। तो एक बच्ची थी, उसका एक पैकेज मिला उसको 2 करोड़ क्या पता 50 लाख कितने का, तो उसने उसको ठुकरा दिया। लेकिन वो निश्चित रूप से कोई शारदा बालिका जैसे विद्यालय से निकली हुई बच्ची होगी, वरना आजकल पैसे के लिए सब पढ़ते हैं। उसने ठुकरा दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ यदि 1 लाख रुपये का पैकेज मिल जाएगा तो मैं यही करूँगी। मेरा उद्देश्य है, मैंने पढ़ाई की देश की सेवा के लिए, तो देश की सेवा जब की जा सकती है देश में रहूँ। माता पिता की सेवा जब की जा सकती है जब घर में नहीं, घर से बाहर निकल के क्या सेवा करेंगे। तो मैं आप में वही संस्कार वापस डालना चाहता हूँ कि आप यही ध्येय लेके निकले, प्रोग्रेस करें। माँ सरस्वती की गुरु कृपा है कि आप देश सेवा, अपने राष्ट्र की सेवा के लिए निकले और हर जगह पैसे को सेकेंडरी, पैसे को गौण बना दें और अपनी सेवा को, राष्ट्र को प्राथमिक दर्जा देवें। तो उसमें भी आपकी जो कमाई है ना वो सार्थक होगी। हमारा बोलना, हमारा शिक्षा देना ये विद्यालय का सब सार्थक होगा। मैं आपसे इन संस्कारों और गुणों के साथ में आपसे ये कहूँगा, मैं भी आज ये मत सोचना कभी भी कि अपन पूर्ण हो गए, पूर्ण कभी नहीं होते, हमेशा विद्यार्थी विद्यार्थी रहता है। बड़ा होने के बाद भी अपन पूर्ण नहीं है, कुछ न कुछ शिक्षा तो अपन सीखने के लिए जिंदगी भरी ऐसी कभी रहेगी जो अपन सीख सकते हैं। तो हम भी यदि आपको कोई अच्छाई मिलेगी ना कहीं, तो हम भी आपको सीखने की चेष्टा करते हैं। तो आपसे भी एक ये और निवेदन है कि परिपूर्ण कोई नहीं होता है,
माँ के पेट से कोई सीख के लिए आता है यही सीखे, और जहां भी जैसा मिले, यदि बच्चे में भी कोई गुण मिलता है उससे भी ले, बड़े में गुण मिलता है उससे भी ले। तो हर जगह अपन शिक्षा बन करके लेंगे, कुछ ग्राह्य करेंगे तो हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। यदि अपन में ये अहंकार आ गया, वापस एक कोई है अहंकार, कभी भी आप में कितनी शिक्षा आ जाए, कितने विद्वान बन जाए, लेकिन अहंकार कभी मत करना। ये सोचना गमन जिसे कहते हैं, गमन आया गुरु टूटा। एक रावण था बड़ा महान, तो उसके अंदर क्या पता कितना गुरूर था, और उसके पास सब कुछ था, लक्ष्मी अपार थी, शिक्षा अपार थी, दोनों चीज साथ दे रही थी, लेकिन देखो उसके पास में लक्ष्मी भी सोने की लंका थी। क्या कोई होगा कि अंगूठी पहन लेते उसको दिखाते मेरी अंगूठी बनवाई, लेकिन सोने की लंका थी पूरा उसका महल, उसकी नगरी। लेकिन और शिक्षा में माँ सरस्वती इतनी कृपा थी, उन्होंने इतने संस्कृत के श्लोक लिखे और श्लोक लिखे कि शायद कोई दुनिया में विद्वान ही नहीं ऐसा। लेकिन उसमें कभी क्या रही वो बता रहा हूँ मैं आपको, घमंड, गुरूर इतना ज्यादा आ गया, घमंड इतना अहंकार ज्यादा आ गया कि अहंकारी का एक दिन पतन होता है निश्चित रूप से। और भगवान राम को स्वयं अवतार लेके यहाँ अवतरित पूर्ण ब्रह्म होना पड़ा, और उसका घमंड अहंकार तोड़ने के लिए उसका वध करना पड़ा लंका जाके। तो इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि उससे भी शिक्षा ले लें कि उसके पास सब कुछ था, हमारे पास भी भगवत कृपा से यदि हो जावे तो किस चीज का कभी भी अहंकार बच्चों मत आने देना। भले यार हिंदुस्तान सबसे बड़ी नौकरी है IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS जो है वो सबसे बड़ी नौकरी है, वो भी मिल जाती है, ये मत सोचना मैं खुदा बन गया हूँ, नहीं, मैं आज भी देश का जनता का नौकर हूँ। पर मेरे पास कोई वाजिब लेके आया है, मेरे गुरु आए हैं, मेरे कोई बच्चे आए हैं, मेरे कोई गांव से आया है, गरीब आया है, तो मैं उसका काम सर्वप्रथम करूँ, तब हमारी शिक्षा है ऊँची होगी, वरना हमारी शिक्षा लजाएगी। तो अब हमारी शिक्षा कभी लजाना मत, हमारे जो आपको आपको जो हम ये गुण बता रहे हैं, आपको जो शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, उनको हमेशा ऊँचा करना हमारा सिर, आपका मस्तक ऊँचा होगा, हमारा ऊँचा होगा। किस गाँव से ऐसा भी आइए सब सर साहब, नावा से, तो नावा का भी नाम रोशन होगा, रास्ता नाजिक होगा, और भारत के तो भारतीय प्रसाद सेवा में वहाँ का भी नाम होगा। तो मैं आपसे ये हाईएस्ट पोस्ट के लिए बता रहा हूँ, हमारे यहाँ बच्चे आए हो और आपको तलाश करके हमारे गुरुजन आपको एक अच्छा हीरा कोई दूर बनाएंगे, और हीरा हमेशा ध्यान तपने के बाद बनता है, कोयले की तरह निकलता है खाने से, लेकिन जब उसको तलाशा जाता है जब जाके हीरा बनता है। तो आप भी जब आए हो तो हमारे पास में एक चोर में एक कोयले की तरह आएगा, फिर आपको जब हीरा बना दी जाएगा कोई दूर, तो आपका मोल नहीं है, अनमोल है आप, लेकिन अनमोलता के लिए कभी मोल मत लगाना। मैंने देश की वो एक बच्ची का उदाहरण बताया कि मुझे पैसा सब कुछ नहीं है, मेरे माता पिता, मेरा गांव, देश, गुरुजन, मेरा राष्ट्र, ये सब मेरे प्रमुख हैं, तो मेरे को आय इतनी चाहिए, ज़्यादा आय का क्या करेंगे लोग, बताते जाना कि सबको मरना है तो ये छोड़ जाएंगे, तो मैं इतना मेरे को मिल जाए कि मेरे राष्ट्र की, मेरे परिवार की, मेरे देश की सेवा कर सकूं। तो आप इसी संकल्प के साथ में अपना आज का ये मेरा जो उद्घाटन है, मैंने आपको जो भी मेरे को माँ सरस्वती की राधा की कृपा से, गुरुओं की कृपा से मिला है, मैंने आपको भरोसा है, आप इसको हृदयंगम अपने हृदय में उतारें, कथनी करनी एक हो, जब चीज हृदय में लगाई जाती है, प्रवचन सुनने से पढ़ने से कुछ नहीं होता है, इनसे जब होता है जब इनको दिल में उतारा जाता है और उन पर चला जाता है। तो मेरा आपसे अंतिम निवेदन यही है, मैंने जो कुछ मेरी जानकारी में था आपको कहा, आप उन पर चले और ये संकल्प लेके जाए आज ही कि भाई अशोक पारिक अटल ने, मैं भी इस बात पर अटल हूँ कि जो कहता हूँ वो करता हूँ, कभी असत्य नहीं बोलता हूँ। तो आप इन चीज़ों को यदि ग्रह करेंगे और ये संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे कि हम इन चीज़ों को अपने हृदय में उतारेंगे और जीवन में लागू करेंगे, और इनको लागू करते हुए अपने जीवन में उतार के अपने जीवन पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको माँ सरस्वती, गुरुओं की, बड़ों की, माता पिता सबकी कृपा आशीर्वाद मिले, और आप दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस करें, आप योग्य बने, यही मेरा आपको शुभ आशीर्वाद है। राधे राधे। Okay.